लखनऊ जोन के एडीजी ब्रजभूषण ने उन्नाव में अजगैन थाना का निरीक्षण किया। एडीजी ने महिला हेल्प डेस्क CCTNS थाना कार्यालय व थाना परिसर का निरीक्षण कर अभिलेखों की प्रविष्टियों को चेक किया। एडीजी जोन ने पुलिस लाइन सभागार में एसपी एएसपी सहित सभी सीओ व प्रभारी निरीक्षकों के संग समीक्षा बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर अफसरों से ऐसे असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए जो कि चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए जिससे आम लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। एडीजी ने जोन में अपराध कम होने का भी दावा करते हुए कहा, इस वर्ष लूट, हत्या, दुष्कर्म जैसे अपराधों में कमी आई। साथ ही उन्होंने आंकड़ा गिनाते हुए बताया, माफिया अपराधियों की 400 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर के तहत जब्त करने के साथ 2000 अधिक अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, 1000 अधिक लोग जिला बदर किए गए, शराब व मादक पदार्थ तस्करों की भी रिकवरी करवाई गई। एडीजी ने बताया, उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में कल 30 बीघे सरकारी जमीन मुक्त कराकर अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली आज का जो मेरा भ्रमण है आने वाले निकाय चुनाव है उसकी तैयारी के संबंध में था। थानों में जो वर्किंग है, जिले की जो वर्किंग है उसको समीक्षा करने का था। तो ये कहने में मुझे खुशी भी है कि वर्ष 2022 में हर तरह का अपराध नियंत्रण में रहा है, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हर हेड में काफ़ी कमी आई है और अपराधियों में काफ़ी कार्रवाई भी हुई है। यदि मैं जोन की बात करूं तो हमने इस वर्ष 2022 में माफियाओं की लगभग 400 करोड़ की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर में सीज कराया है। 2683 अपराधियों को हमने गैंगस्टर में जेल भेजा है। शराब माफियाओं की लगभग 44 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है। 238 शराब माफियाओं को गैंगस्टर में जेल भेजा गया। इसी प्रकार से जो गोकसी करने वाले अपराधी माफिया हैं, 740 अपराधियों पर कार्रवाई गैंगस्टर में हुई है। 33 करोड़ का उनका सीजर हुआ है। मादक पदार्थ नारकोटिक्स का जो धंधा करते हैं उनसे 64 करोड़ की रिकवरी हुई है। लगभग 58 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी सीज की गई है गैंगस्टर में। 165 को गैंगस्टर में हम लोगों ने जेल भेजा है। पूरे जिले जोन में लगभग 1159 अपराधियों को जिला बदर कराया गया। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई माफियों के खिलाफ हुई है। ये कार्रवाई जारी होगी। कल भी आपने देखा होगा कि एक अच्छी कार्रवाई उन्नाव में हुई है। लगभग 30 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर कुछ अपराधी माफियों ने कब्जा कर रखा था। उस जमीन को उन्नाव में कल मुक्त कराया गया है। उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी। चुनाव संबंधी मैंने समीक्षा की है तो उसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी चुनाव होने हैं, टोटल उन्नाव में जैसे 15 टाउन एरियाज हैं, 3 नगर पालिका हैं, वहाँ एक एक ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनकी सूची बनाई जा रही है। कुछ बना भी ली गई हैं, उन पर कार्रवाई की जाएंगी। एक ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो, हर मतदाता जहाँ चाहे अपने मन से फ्री होकर अपना वोट अपने मत का इस्तेमाल कर सके। फ्री, फेयर एंड पार्शियल इलेक्शन हम लोग संपन्न कराएंगे और जो कार्रवाई जारी है माफियाओं के प्रति वो जारी रहेगी।